तो गाइस यहाँ पर पॉल हेमन रोमर्स को छोड़कर अब डी रॉक के साथ होने वाले हैं आखिरकार। उसके बाद अब तक का सबसे बड़ा रूमर्स यहाँ पर डी रॉक, रोमर्स और कोडी रोड के बीच आखिर क्या कुछ होने वाला है। तो गाइस इस बार बैड ब्लड के लिए यहाँ पर रोमर्स अकेले ही काफी थे, न उनके साथ यहाँ पर टाइटल था और न उनके साथ यहाँ पर पॉल हेमन थे। वैसे की आपको पता है जब जिमी उसो का यहाँ पर रिटर्न हो रहा था बैड ब्लड में, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का उनका रिटर्न देखने को मिला, आप देखकर यहाँ पर शॉक हो जाएंगे। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर को हुआ यहाँ पर भयंकर वाली इंजरी, आप देख सकते हैं इनको 16 स्टेपल लगा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर केविन नॉन ने क्या यहाँ पर कोडी रोड के ऊपर अटैक कर दिया बैक स्टेज जाते हुए, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो गाइस उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं धीरोक, रामेज और कोडी रोड को लेकर। तो गाइस इन सबको लेकर एक सबसे बड़ा रूमर्स यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि इनके बीच एक रेसोमेनिया मैच होने वाला है, रेसोमेनिया 41, जहां ये मैच देखने को मिल सकता है द रामेज वर्सेस धीरोक और यहाँ पर कोडी रोड के बीच। उससे पहले यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज में एक मैच देखने को मिल सकता है जहाँ ब्लड लाइन के न्यू टीम होंगे उनके साथ धीरोक होंगे, वहीं दूसरी तरफ होंगे यहाँ पर रोमेज, कोडी रोड, सेमी जेन, जी उसो और जेमी उसो। और उसी दौरान यहाँ पर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर पॉल हेमन रोमेज को धोखा दे सकते हैं और यहाँ पर डी रॉक के साथ न्यू क्लाइंट हो जाएंगे डी रॉक का। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर बैड ब्लड में जब यहाँ पर जेमी उसो का रिटर्न देखने को मिला, तो जेमी उसो यहाँ पर स्टेज के नीचे से निकल रहे होते हैं। जेमी उसो यहाँ पर रिटर्न करने के बाद वो यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन नहीं लेते, वो थोड़ा समय रुकते हैं, फिर उसके बाद टामाटो और टामा लोंगा के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो गाइस इस बार बैड ब्लड इवेंट में यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर को काफी तगड़ा चोटिल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इनको 16 स्टेपल लगा हुआ है। वैसे कैसे ड्रू मैकइंटायर के लिए काफी तगड़ा इंजरी, इनको काफी समय लग सकता है इनकी रिकवरी होने में। यार फिलहाल यहाँ पर सीएम पंक ने इनको काफी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर ने अपना बेस्ट दिया। तो गाइस आपने देखा भी होगा कि बैड ब्लड के दौरान यहाँ पर गोल्डबर्ग का टीज हुआ था, जिस प्रकार यहाँ पर गुंथर ने गोल्डबर्ग को यहाँ पर टीज किया था। हालांकि गुंथर इनके फैमिली के सामने ही टीज कर देते हैं, उनका ऐसा मानना था कि वो 5 सेकंड में यहाँ पर गोल्डबर्ग को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और भाई यहाँ पर कोई गोल्डबर्ग को चैलेंज दे, गोल्डबर्ग यहाँ बैठ कर देख नहीं सकते, वो यहाँ पर आने ही वाले थे रिंग में, पर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उनको रोक लेती है। तो गाइस एक बार फिर से यहाँ पर ट्रिपल एच गोल्डबर्ग को यहाँ पर रिटर्न करने वाले हैं और इनका लास्ट मैच होगा यहाँ पर जो रेसल करेंगे गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग के बीच। और गाइस वैसे इस मैच का टीज काफी पहले ही हो चुका था जब गुंथर ने इनका नाम ही नहीं लिया था अपने फेवरेट में और इनको यहाँ पर अलग से ट्रोल कर दिया था। वैसे गाइस अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन करना चाहते हो धीरोक और गोल्डबर्ग में कि आखिर गोल्डबर्ग और धीरोक में सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलिंग में, तो यहाँ पर गोल्डबर्ग को माना गया है ना कि रॉक को। आप देख सकते हैं गोल्डबर्ग में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप गेन किया, उसके बाद धीरोक यहाँ पर व्यूअरशिप गेन किए हैं और ये व्यूअरशिप इनके बीच देखने को मिला यहाँ पर यूट्यूब पर। तो गाइस इस बार बैड इवेंट में यहाँ पर जब रोमेज का रिटर्न होता है तो इनके साथ न यहाँ पर पॉल हेमन होते हैं, न इनके साथ कोई भी यहाँ पर टाइटल होता है, उसके बावजूद भी ओटीसी यानी कि रोमेज का एक शानदार एंट्री देखने को मिलता है। क्या गजब का एंट्रेंस था आखिरकार इनका। गाइस इस बार बैड इवेंट में आपने देखा यहाँ पर धीरोक का रिटर्न देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पर जिमी उसो का भी रिटर्न देखने को मिला, उसके बाद गाइस यहाँ पर रॉकल का भी रिटर्न देखने को मिला। यहाँ पर 3-3 रिटर्न देखने को मिले इस बार बैड ब्लड इवेंट में। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर बैड ब्लड में सबसे बड़ा यहाँ पर इमोशनल सीन तब देखने को मिला जब यहाँ पर रोमेज हग करते हैं जिमी उसो को। वैसे गाइस इस समय यहाँ पर सभी ने रोमेज का साथ छोड़ दिया, पर रोमेज के साथ इस समय जिमी उसो फिर भी है। देखना यू होगा आखिर कब तक यहाँ पर जिमी उसो रोमेज का साथ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैच समाप्त होने के बाद जब यहाँ पर सीएम पंक बैक स्टेज जा रहे होते तभी बीच में इनको मास्क की जरूरत पड़ती है, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन मास्क लाना पड़ता है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तब होता है जब यहाँ पर सीएम पंक बोलते हैं कि आई वांट टू कॉल माय वाइफ। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर जब कोडी रोड स्प्लैश लगाने जा रहे होते जैकब फातू के ऊपर, यहाँ पर रोमेज को सैल्यूट करते हैं। वैसे गाइस ये वाला सीन काफी लोगों को यहाँ पर पसंद भी आया और रोमेज भी काफी हैरान हो चुके थे जब यहाँ पर कोडी रोड ऐसा बोलकर उन्हें स्प्लैश लगाने जा रहे थे। तो गाइस यहाँ पर चैंपियनशिप रिटेन करने के बाद जब कोडी रोड बैक स्टेज जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर केविन आवने आते हैं उनसे बात करने के लिए और सीधा अटैक भी कर देते हैं उनके ऊपर। बस इसके पीछे का सबसे रीजन ये है कि यहाँ पर कोडी रोड यहाँ पर रोमेज के साथ नहीं देखना चाहते इनको। वैसे गाइस यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया है कि केविन और यहाँ पर कोडी रोड को रोमेज के साथ नहीं देखना चाहते और वो चाहते हैं कि उनसे दूर ही रहे। अब यहाँ पर जो हो सकता है कि केविन और यहाँ पर कोडी रोड के ऊपर टर्न हील करे। तो गाइस आज का लास्ट और फाइनल अपडेट यहाँ पर लुचियस ब्रदर को लेकर है। वैसे गाइस इनका जो साइन इन द कॉन्ट्रैक्ट था वो यहाँ पर समाप्त हो चुका था 2023 में ही, अब इनका 2024 में रिटर्न होने वाला, अब देखना ही होगा आखिर कब रिटर्न होता है। तो गाइस यही रहे आज के सारे न्यूज एंड अपडेट जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए यहाँ पर स्टे ट्यून।